आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लेटर ऑन सीरीज़ पर बेस्ड क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि एसएससी, बैंक, पीओ, रेलवे आदि कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आते हैं, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले ABCD लिख लें और इनकी काउंटिंग याद रख लें कि ए जो है वो वन पोजीशन पर आता है, बी जो है आपका सेकंड पोजीशन पर आता है, सी थर्ड पोजीशन पर, डी फोर्थ पोजीशन पर, और ई जो है फिफ्थ पोजीशन पे आता है। देन उसके बाद यहाँ पर एफ आ गया आपके सिक्स पोजीशन पे, ठीक है। फिर 7, 8, 9, 10, 11 के जो आ गया आपकी 11th पोजीशन पे, ठीक है। उसके बाद 12, 13, 14, 15, देन 16 पे आ गया आपका पी। इसी तरीके से 21 पे आ गया आपका यू और जेड आ गया आपका 26th पोजीशन पे, ठीक है। अब इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिए हुए रहेंगे, ठीक है। ई डी बी ए आपको दिया हुआ है, तो ई डी बी ए एक आपका सी इसमें मिसिंग है, ठीक है ना। के जे एच जी, के जे एच जी, ये आई मिसिंग है इसमें, ठीक है। उसके बाद क्यू पी एन एम, एन और एम ओ मिसिंग है, ठीक है। अब इसका अगला वाला निकालना है आपको कि क्या आना चाहिए। तो अब हम यहाँ देखेंगे, एक तो हमने ये देख लिया किस तरीके से इसमें ये बन रहा है। उसके बाद हमने यहाँ पर हम एक चीज़ और देखेंगे कि ई के बाद के कौन सी पोजीशन पर आ रहा है। जैसे ई फिफ्थ पोजीशन पर है, देन 1, 2, 3, 4, 5, 6 छः, देन 7th पोजीशन पर आपका के आ रहा है, राइट। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 देन 7th पोजीशन पर आपका क्यू आ रहा है, ठीक है। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 7th पोजीशन पर आपका W आ रहा है। तो नेक्स्ट वाला आपका जो है, आपने यहाँ देखा K के बाद 7th पोजीशन, E के बाद 7th पोजीशन पे K आया, K के बाद Q 7th पोजीशन पे क्यू आया, अब Q के बाद 7th पोजीशन पे क्या आ रहा है आपका W आ रहा है। तो फर्स्ट लेटर इसका क्या होगा, W होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या आ रहा था W के बाद, जैसे हम यहाँ पर ये लिख रहे थे ई डी बी ए, तो ई डी फिर एक छोड़ के बी ए ऐसे लिखा था, तो W के लिए भी हम वैसे ही लिखना पड़ेगा W V U छोड़ के T S, तो W V T S आपका जो है आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हमको सेकंड क्वेश्चन करना है, जैसे A C E दिया हुआ है, A C E दिया हुआ है, एक एक छोड़ करके इसमें दिया हुआ है। फिर G I K दिया हुआ है, G कहाँ है आपका, G I और ये K दिया हुआ है। उसके बाद ये हमको निकालना है S U W, आपका ये हो गया S U W, एक एक छोड़ करके दिया हुआ है। Y A C, Y ये हो गया, एक छोड़ कर A हो गया, एक छोड़ के C हो गया, इस तरीके से दिया हुआ है। अब हमको यहाँ पर ये वाली चीज़ निकालनी है, क्वेश्चन मार्क हमको निकालना है। तो ए के बाद जी आपकी कौन सी पोजीशन पर है, ए 1, 2, 3, 4, 5, 6 7th पोजीशन पर है, ठीक है। तो उसके बाद जी के बाद 7th पोजीशन पे कहाँ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7th पोजीशन पर एम है, तो इसका फर्स्ट लेटर आपका क्या आ जाएगा, 7th पोजीशन पर एम है तो एम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक छोड़ कर क्या है इसमें, ओ है, जैसे यहाँ पर करा था ना ए, फिर B को छोड़कर C, C को छोड़कर E, तो इसी तरीके से हमको यहाँ पर करना है M, N को छोड़कर O और P को छोड़कर Q, तो M O Q जो है इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमको ये सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं को करने के लिए आपको ये टेबल याद रखनी पड़ेगी विथ नंबर्स, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे और टाइम भी इसमें आपका जो है बचेगा।